Assalamu alaikum nazrin kargil nami chosnanga habil sagar yan raspe chicken tutulla hazir during government degree college kargil student in this protest mal like hosin the protest bu yan dasa par taspim ni nazar na college yan no facilities me chos base yan dono no chos chos la examination center ro yan no gal me chos base student la kafi nas par do thoni yote yan yan dasa par taspim ni nazar na exam result yan ns and chos base student la de kan kafi nas par do thoni yote chana yan dasa par خصوصی رپورت چکل چوبید یا دلتین جوکس کارگیل ناما इस बारे में तफसील से बताइए सर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमने सुबह कॉलेज में पहले ये प्रोटेस्ट किया था सर हमने आज बायकॉट किया था क्लासेस से ये इश्यू लेके कि हमारा जो रिजल्ट था वो दिसंबर में डिक्लेयर हुआ था सर उसके बाद हमारा एनए शो किया हुआ था बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो दिसंबर के बाद से ही हम इस इश्यू को लेके हमारे जो प्रेसिडेंट है वो दो तीन बार यहाँ पर लेटर भी भेजा उन्होंने यूनिवर्सिटी में लिस्ट भी भेजा जिन बच्चों का एनए था बट किसी ने इस इशू पे बात नहीं किया एट द एंड हमें यहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ा था कॉलेज में जब हमने कॉलेज में प्रोटेस्ट किया तो प्रिंसिपल मैम ने कहा कि हमने ये कॉलेज से सारे ये भेज दिए हैं यूनिवर्सिटी वालों ने नहीं देखा है तो आप यूनिवर्सिटी में जाकर प्रोटेस्ट करो फिर हम सारे बच्चे जब यहाँ यूनिवर्सिटी में आए तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला कि आपकी कॉलेज की गलती थी हमने कुछ नहीं किया है तो यूनिवर्सिटी वाले बोल रहे कॉलेज का मिस्टेक है छोटे से नोटिस पर आज कॉलेज में हम बच्चों के जितने भी स्टूडेंट्स हैं स्ट्राइक हुआ था वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे ये स्टूडेंट्स का रिजल्ट निकला था फिफ्थ सेमेस्टर का रिजल्ट जो निकला था वो दिसंबर के 21 में निकला था तो उसके बाद से हमने जितने भी स्टूडेंट्स का रिजल्ट में एनए या एक्सेंट शो कर रहा था वो हमने बाकायदा कॉलेज को लिस्ट बना के दिया था कन्वीनर को एग्जामिनेशन कन्वीनर को तो उसके थ्रू जो लिस्ट है वो फॉरवर्ड हुआ था यूनिवर्सिटी को फिर जो एनए आने का जो वो था कॉलेज की तरफ से मिस्टेक उसके ऊपर कमेटी बिठाया गया था कमेटी बिठाने के बावजूद भी इंक्वायरी हुआ था लेकिन इंक्वायरी होने के बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से कि रिजल्ट भी क्या इनका रिजल्ट क्लियर निकलेगा या नहीं निकलेगा अभी तक हम इसी चीज़ के लिए हम आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है हॉट एंड कोल्ड चार्ज जो है उसका भी कोई इशू था वो क्या है जी हॉट एंड कोल्ड चार्ज ऐसा है देखो जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं जो हम बच्चे फीस भरते हैं ना हॉट एंड कोल्ड चार्ज के उसका कुछ फैसिलिटीज हमें मिलता नहीं अगर आप देखा जाए तो अगर आपको देखना भी है अगर ग्राउंड लेवल पर आके तो आप एक बार एग्ज़ाम के टाइम आप क्लासेस में आ सकते हैं वहाँ पर देख सकते हैं विंटर में कि क्या बोलते हैं हीटिंग फैसिलिटीज़ है कि फैसिलिटीज होता ही नहीं तो हॉट एंड कोल्ड चार्ज का अगर आप ये लेते भी हो तो फिर आप हमें ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करें वरना अदरवाइज हम ये फीस भर रही नहीं है आप लोगों ने मतलब अफसर से अप्रोच किया उसका क्या रिस्पांस मिला जी जो अफसर इंचार्ज है कॉलेज है उसे वहाँ से अप्रोच किया वहाँ से क्या जवाब मिला आप लोगों को कॉलेज से देखो आज बात हुआ था प्रिंसिपल मैम से भी बच्चों का इंटरेक्ट हुआ था तो फिर प्रिंसिपल मैम ने तो यही कहा है कि हमें कॉलेज की तरफ से कुछ फंड मिला नहीं है आपका हॉट एंड कोल्ड चार्ज का जो मिलता है वो 1800 फला ऐसे कुछ बोल रहे थे मैम लेकिन मैम कह रहे हैं कि हमें कुछ इस फंड्स मिलते हैं हॉट एंड कोल्ड चार्ज वो यूनिवर्सिटी को ही वो कहते हैं कि यूनिवर्सिटी हमें देते ही नहीं यूनिवर्सिटी वाले कह रहे हैं सर कि हम कॉलेज में भेज देते हैं जो भी आपका हॉट और कोल्ड जो फीस है वो हम जो ही हमारे यहाँ से भर जाते हैं वो हम स्टूडेंट्स को वहाँ दे देते हैं जितने भी एग्जामिनेशन हॉल्स हैं उनमें इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को फैसिलिटी प्रोवाइड हो हीटिंग सिस्टम हो पानी हो लेकिन हमें उनमें से कोई भी चीज आप खुद जानते हैं नवम्बर में हमारा एग्जाम हुआ था ना तो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं सब जानते हैं कि हमें कोई फैसिलिटी नहीं मिली थी हम यही चाहते हैं कि अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हमें फीस नहीं हम नहीं भरेंगे वो फीस हमें नहीं चाहिए फैसिलिटी भी फिर हम क्यों भरेंगे गवर्नमेंट कॉलेज है इतना फीस नहीं होना चाहिए सब एफोर्ड नहीं कर सकते ना सर एक तो दूर से आते हैं फिर इतना फीस देना पड़ता है एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी इतना ज्यादा है मेडिकल वालों से पूछे आप एक एक प्रैक्टिकल का कितना फीस लेते हैं सर इसलिए प्रैक्टिकल का जो फीस है मेडिकल वालों को बैकलॉग वालों की वो 350 है अगर कंपेयर करें रेगुलर वालों से रेगुलर वालों का है पर सब्जेक्ट का 100 रुपीज़
तो इसमें बैकलॉग वालों को देना पड़ रहा है पर सब्जी का 350 रुपीज। आप इसमें फिर आप खुद सोच सकते हो कि कितना ज्यादा फीस है इसमें। उसमें भी हॉट एंड कोल्ड फीस अलग से लेना पड़ता है। आप रिवोल्यूशन के लिए फॉर्म भरो, उसमें भी हॉट और ये हॉट फीस और कोल्ड फीस अलग से भरना पड़ता है। इसका मतलब ये जाता कहाँ है, हमें आज तक समझ नहीं आया सर। हमें तो कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, कॉलेज खोल के एक महीना हो गया है, कोई फैसिलिटी तो नहीं मिल रही है, ना एग्जाम्स में ना कॉलेज प्रीमिसेस में। थैंक यू सर। होना चाहिए सर। अब हम हर बार अपना इशू लेके लह नहीं जा सकते, वीसी सर लह में रहते हैं, तो एक बार वो साल में एक बार यहाँ आते हैं और उसमें भी वो दो दिन आके चले जाते, बच्चों से नहीं मिलते। यहाँ पे जब हम आते हैं तो हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हम चाहते हैं कि रोटेशनल बेस पे हो सर, 6 महीने यहाँ 6 महीने वहाँ हो तो बेटर रहेगा सर, ताकि हमारे इश्यूज भी सबके सामने आए, वीसी सर को भी पता चले कि यहाँ पे बच्चे कितना सफर कर रहे हैं। हमारी यही एक डिमांड ये भी है कि वीसी सर रोटेशनल बेस पे हो। सही, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली मैं इस पर क्या कहते हैं रूल से आया, इस पर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन मीडिया का हमें इतना ये नहीं होता हमारे साथ सवाल जवाब, बट जो बात आप लोगों ने कही ये मेरे कॉलेज के रिलेटेड है और मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेरे बच्चों के रिलेटेड है। तो मैं इतना कहूँगी अगर बच्चे वहाँ आए हैं अपने रिजल्ट के सिलसिले में वहाँ पूछे हैं तो जो एन ए केसेस का वो डिमांड कर रहे हैं या बोल रहे हैं रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, तो मैं एक ही बात आपको कहूँगी, हमारे कॉलेज से कॉलेज में एग्ज़ाम मतलब लिया जाता है कॉलेजेस में, और एज यूजुअल आफ्टर एग्जामिनेशन चाहे वो रिजल्ट हो जो कुछ हो अवार्ड रोल्स हो वो यूनिवर्सिटी भेजा जाते हैं, और हमने दिया रहेंगे सारा मतलब बच्चों के रिलेटेड सारा जो रिजल्ट के रिलेटेड ये है इंफॉर्मेशन है वो हमने यूनिवर्सिटी को भेजा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।